अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान से नोएडा आई सीमा हैदर अब पूरी तरह से भारतीय रंग में रंग गई है। माथे पर सिंदूर और बिंदी, गले में मंगलसूत्र से सीमा हैदर की पहचान भारतीय नारी के तौर पर होने लगी है। नोएडा में अपने पति सचिन के घर में सीमा हैदर वो सभी त्योहार मना रही है जो एक हिंदू और सनातनी धर्म में मनाए जाते हैं। इससे पहले सीमा हैदर ने हरियाली तीज की भी पूजा की थी और अब रक्षाबंधन भी वो पूरे रीति रिवाजों के साथ मना रही है। सीमा ने अपने वकील एपी सिंह को भाई मानकर राखी भी बांधी है। इसके अलावा सीमा हैदर ने एक वीडियो बनाया है और सबको रक्षाबंधन की बधाई देते हुए राखी पोस्ट करने की पोस्ट ऑफिस की स्लिप भी मीडिया के साथ साझा की है। सीमा ने अपने वीडियो में कहा है कि भाई पीएम मोदी, डॉक्टर मोहन भागवत, सीएम योगी, राजनाथ कोविंद, मेरे प्यारे भाइयों के लिए हमने राखी भेजी है। पहले इसलिए भेजी है ताकि रक्षाबंधन के दिन हमारे सभी भाइयों को राखी मिल जाए जिनके कंधों पर ये देश है। मैं बहुत खुश हूँ। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, जय हिंद। सीमा ने कहा, अब भारत ही मेरा देश है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों से वचन मांगती है और सीमा ने मोदी और अमित शाह से वचन के तौर पर भारतीय नागरिकता की मांग की है। जय श्री राम, नरेंद्र भाई मोदी जी, डॉक्टर मोहन भागवत जी, श्री राजनाथ सिंह जी और मेरे प्यारे भाई डॉक्टर एपी सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी, ये हमने कर दी पोस्ट। पहले से इसलिए कर दी है ताकि रक्षाबंधन वाले दिन हमारे भारत के प्रिय भाइयों को मिल जाए जिनके कंधों पर ये देश है। मैं बहुत खुश हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और अब देखना ये होगा कि क्या कानून भावनाओं में आकर के फैसला लेगा या फिर कानूनी तौर पर। नमस्कार।